800 से 1200 रुपए में, उसमें करीब 800 रुपए का नुकसान है। जितने भी वहां पे फसलें पैदा होती है, सूरजमुखी हो, अनाज है, दाले हैं, तो रेट कम मिलता है। अकेले ही एक ही उससे 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक स्टेट से होगा एमएसपी ना देने से, क्योंकि बिहार वालों ने बिहार को छोड़ दिया, मजदूर बन गया या पढ़ाई उसने कर ली तो अधिकारी बन गया। आंदोलन आने वाले टाइम पे आपकी तो जमीन चली जाएगी, यहां तो जमीन के मुआवजे का सवाल है, लेकिन पूरे देश में एमएसपी का भी सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून उसका भी सवाल है। और अब की बार एक प्लान पूरे देश में बन गया कि जितना बाढ़ आई नुकसान हुआ, कोई भी सरकार उसका मुआवजा देने को तैयार नहीं है। आपके यहां पे भी पानी आया, मुआवजे की बात करोगे तो वे देने को तैयार ही नहीं है। हिमाचल, उत्तराखंड ये पहाड़ी स्टेट है, बहुत भयंकर नुकसान वहां से हुआ, जो वहां से पानी नीचे आया उससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक उसका असर गया। लोग आंदोलन कर रहे, कल भी पंजाब में आंदोलन किया तो लोगों पर लाठीचार्ज हुए, कई लोग वहां पे घायल हुए और एक लोग हमारा जो किसान था वो शहीद हुआ, लेकिन वे आंदोलन अपना जारी रखे हुए। तो ये भी कि आंदोलन यही चल रहा है, आंदोलन देश में सब जगह चल रहा हुआ है। कल भी हम मुजफ्फरनगर में रहेंगे, वहां पे गन्ने का इशू है तो गन्ने के भुगतान के इशू में वहां पे भी ट्रैक्टर मार्च है करीब 7 किलोमीटर का। फिर उत्तराखंड में चले जाएंगे तो रुड़की में ट्रैक्टर मार्च है 24 तारीख का। उसके बाद में मैनपुरी में चले जाएंगे तो वहां पे भी बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि मक्का और धान और फसलों के वहां पे भी सवाल है। 25 तारीख में वहां प्रोग्राम है, 26 तारीख में नुहू में प्रोग्राम है, संयुक्त प्रोग्राम है, उसमें सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख लोग सब उसमें जाएंगे, क्योंकि नुहू को एक ट्रायल ये करना चाहते हैं। नुहू में 23 में दंगा होगा तो 24 में वोट देंगे, क्योंकि 13 से 23 अगर जोड़ के देखोगे तो अंक वही आता है। लेकिन वहां पर नुहू को हरियाणा के लोगों ने बचाया, उनके साथ में खड़े हुए पूरे नुहू के, पूरे मेवात के साथ में चारों तरफ के लोग खड़े हुए, जो वहां की बाल थी वे खड़ी हुई, तो वहां पे भी हम जाएंगे। तो आप अपने आंदोलन पे ध्यान दो, जो आपकी डिमांड है अधिकारियों से बातचीत करो, उसका समाधान होगा। अभी तो जो ट्रैक्टर मार्च निकले, अभी तो गाड़ी का मार्च निकला, ट्रैक्टर का निकला, क्योंकि भाई नोएडा है, गाड़ियां ज्यादा ले रही, मुआवजा ले लेके गाड़ी किस किस ने ली उसकी भी निगाह रखनी पड़ेगी। हमको एक टीम बना रहे हैं कि मुआवजा उठा के गाड़ी ली या मुआवजे से पहले गाड़ी ले रखी ली, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना कि जो मुआवजे के पैसे से गाड़ी ले रहा है। पत्थर देखिए, यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने तो पत्थर वही लगाए, नहीं के घर के बाहर ऊपर से नीचे तक लाल पत्थर लग रहा है। तो ऐसा काम मत करो कि पत्थर से पूरा घर ढक दो और उसकी दीवार और सीमेंट भी ना दिखाई दे। अपने एक काम करो, मुआवजे का पैसा मिल रहा है तो 2 बीघे अपनी जमीन खरीद लो, जमीन का पैसा जमीन में ही जाकर तो जान बच सकती है। जमीन का पैसा अगर गाड़ी में जाएगा तो लोहा है उसका डिप्रेशन होता है, वो घटता है। जमीन का बढ़ जाएगा, आज महंगी लगेगी तो कल ठीक रेट हो जाएंगे। कंपनियां बहुत आ रही है आपको बहकाने का, बहुत काम करेंगे यहां पे बहुत।